राजीव सातव जी जी, मैं यहाँ से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहूँगा। ये जो सवाल है, ये मराठवाड़ा और विदर्भ को जोड़ने वाले यवतमाल पुसद के रास्ते से नांदेड़ और वर्धा के बीच में जो नई लाइन जा रही उसके बारे में का है। और मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से इसके लिए अलॉटमेंट किया है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मंत्री जी, जो मुख्य सवाल ये है कि जिस प्रकार से लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ अगले 10-10 साल तक अगर पेंडिंग रहेंगे या टाइम बाउंड तरीके में अगर हम इसको नहीं लेंगे तो ये 15 साल तक परियोजना नहीं हो पाएगी। इसलिए आपकी रेलवे बोर्ड के ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट अगर ये दोनों मिलकर इसके बारे में अभी से काम करेंगे तो टाइम बाउंड तरीके से होगा। और दूसरा जो मेरा मूल सवाल इसमें यह है कि वर्धा की तरफ से तो आपने काम शुरू किया है, नांदेड़ की तरफ का लैंड एक्विजिशन का काम हो रहा है, तो अगर दोनों तरफ से काम शुरू हो जाएगा तो ये परियोजना जल्दी हो पाएगी। इसलिए टाइम बाउंड तरीके में इसमें करेंगे, इस बारे में कुछ अश्योर करें सरकार। जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया कि इसके बारे में रिव्यू सब शिवसेना कुछ समय पहले हमने किया था, और इसलिए जो भी इसमें इश्यूज आ रहे थे लैंड एक्विजिशन को लेकर, उसको किस तरह से निपटा जाए उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट के एक एक अधिकारी को भी उसके बारे में कहा गया है। जितना भी धन उसके पर्याप्त मात्रा में जरूरी है वो भी ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने उसको आदेश दे दिया है। और यह आपका जो सुझाव है उसके बारे में भी हमने सोचा था कि क्या दूसरी तरफ से भी काम शुरू किया जा सकता है, तो लैंड एक्विजिशन का थोड़ा प्रोग्रेस होगा तो दोनों तरफ से करके हम उसको बहुत जल्द समय सीमा निर्धारित करके उसको पूरा करेंगे। श्रीकांत।